चुहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आप सकुशल रहें, इसकी कामना और प्रार्थना करते हैं। जैसा कि अभी फोन आया था, कॉल आया था मनीष दा बलियापुर और राड़ कड़म दा बोकारो का, कि कुछ पोस्टर दिस दैट कोई रूट चाप बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा जो कार्यक्रम है उसको लेकर कोई दूसरा रूट चैट। पहला बात तो हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम कंटिन्यू 18 तारीख की रात से कोल्हान में हैं। धनबाद में क्या हो रहा है भाई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया में कुछ लोग क्रॉस लगा के मार देखें। अभी जब फोन किए, ऐसा नहीं उन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, हम अपना आईडी से 17 बार पोस्ट कर चुके हैं कि यह कार्यक्रम झारखंड बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का है। उसके बाद पता नहीं लोगों को क्या घृणा है, क्या नफरत है हम लोगों से। अरे ठीक है भाई, कार्यक्रम है, अच्छा है, हम लोग तो शुरू समर्थन किए हैं, कब नहीं किए हैं, और आज जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ठीक है, मेहनत कोई 20 साल से करे 40 साल से करे, लेकिन आज जो भी कार्यक्रम सड़क पर हो रहे हैं वह कार्यक्रम इस आंदोलन का योगदान है। ये बात आप सभी को मानना होगा कि इस आंदोलन ने सभी कार्यक्रम को बल दिया है। आज जो लोग हजारों की संख्या में सड़क पर निकल रहे हैं, ये सबको स्वीकार करना होगा कि इस आंदोलन के कारण एक ताकत मिला, अच्छी बात है। आंदोलन ताकत देने के लिए ही आया है और जो भी आंदोलनकारी हैं उनका थोड़ा सा भी रोल है, लेकिन है। आप अगर करम परब की बात करें, बहुत इससे पहले भी तो करम परब होता था, लेकिन इस वर्ष हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आंदोलन का इफेक्ट रहा। तो भाई जो भी आंदोलनकारी है उनका रोल रहा है। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं, हम 0.0001% ही मानते हैं अपना रोल है, लेकिन है। जब आप लोग अपने अपने गांवों में थे, हम लगभग 58 को सभा खाली करम परब के लिए किए थे, पूरा 2 बजे रात तक जिस दिन होता है उस दिन हम लगभग 24 को सभा किए थे करम परब के बारे में। पता कर लीजिएगा, हमारे हम मान रहे हैं हमारी भी खुद बहन लोग, आपकी खुद बहन लोग मैंने अलाय बलाय गाना में करम में नाचती थी, इस बार नहीं हुआ, इस बार अलग अलग गाना में नहीं, हम स्वीकार करते हैं। हमारी खुद हमारे गांव की बहन लोग भोजपुरी गाना में अश्लील गानों में करम में नृत्य करती थी, इस बार नहीं हुआ, कारण आंदोलन। ऐसा नहीं है इससे पहले पर्व त्योहार नहीं होता था, लेकिन आंदोलन ने बल दिया है भाई। तो जो लोग आंदोलन किए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, आप जिसको हमने कभी श्रेय लेने का काम किया है ना करेंगे, लेकिन ये तो मानना होगा 58 को सभा हम करम परब के लिए किए थे। हालांकि हमको हरे कृष्ण दा दिए थे जानकारी, हमको अरविंद पुनरियार दा जानकारी दिए थे कि करम परब का वैज्ञानिक मतलब क्या है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन विचारों को लेकर गांव गांव तक हम 58 गांव में गए थे, 58 को गांव नहीं, 58 को मंडप में गए थे जहां करम का परब होता है। देख रहे हैं धनबाद में यार लोग माने, अरे एक बार हमसे पूछ लो भाई, इतना ही अगर घृणा है तो ठीक है, स्वीकार है, आपके नफरत को भी हम समर्थन करते हैं, आप लोग खुशहाल रहिए भाई। अब किसने किया नहीं किया एक बार हमसे बात कर सकते थे, सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, हम कोल्हान में है, 18 तारीख की रात से कोल्हान में है, कब अभी 2 बजे कुकड़ू ब्लॉक में हम लोग का जनसभा है, यहाँ से घर निकलेंगे और जो कार्यक्रम है वो बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का है भाई। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, सही बात है, अपने में लोगों को कहावत किसी ने खूब कहा है कि हमारे लोग मैंने कंधा देकर सपोर्ट करने वाले कम, टांग खींचने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। अरे यार एक बार हमसे जान लो, और खासकर देख जो लोग नेगेटिव लेकर प्रचार कर रहे हैं उनके पास मेरा पर्सनल नंबर है भाई, आप हमको कॉल कर सकते थे। बाकी अगर हमसे व्यक्तिगत द्वेष से घृणा की भावना रखते हैं तो स्वीकार है, लेकिन हम आपके लिए घृणा की भावना नहीं रखते हैं, हम आपके लिए कोई घृणा की भावना नहीं रखते हैं, आपका समर्थन करते हैं। हाँ, अगर दिक्कत है तो आप जो भी बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के लोग हैं आप जारी कीजिए कि जरा मतों को आपका नहीं आना है, सहर्ष नहीं जाएंगे भाई, हम समाज से बढ़कर नहीं, हम समाज को लेकर, अगर मेरा जान जाने के बाद भी अगर मेरा समाज को उत्थान होता तो हम तैयार हैं। बेटा कोल्हान में अपने यहाँ डीसी को लोग आवेदन दिया है कि हम लोग बंद माने हथियार के साथ रहते हैं, अगर जरा महत्व आएगा यहाँ सरायकेला तो कुछ भी हो सकता है, जान माल का क्षति होगा। बेटा इतना टेंशन कोल्हान में झेल रहे हैं, जब भी कोल्हान आते हैं तब यहाँ साजिश होता है, इतना दर्द 20 खून पी के बेटा माने लोगों को जगा रहे हैं और उसके बाद भी आप लोगों को नेगेटिव लगता है, हमको खुद जानकारी नहीं, हम तो मोबाइल छूते तक नहीं है अभी। अभी मनीष दा हमको फोन किए हैं बलियापुर से और राड़ करम बोकारो से, तब हम देखेंगे सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। अरे भाई नफरत करना खुल के करो ना यार, क्या है वो, मना कोई नहीं किया है, जो हम अपना मेरा आईडी खुद देखिए, हम 3 बार पोस्ट किए हैं डहरे टुसू परब को लेकर, हम खुद रूट चार्ट बता दिए कि सरायढेला से जाना है, अब कोई किसी रास्ते से जा रहा है उसको सब तो आएंगे, 4 दिशा है, 8 दिशा है आने का, तो कोई अगर कहीं से लेता है तो ले दे के आप लग जाते हैं। और जो लोग खासकर
देखें, ऐसा नहीं है कि उनका उनके पास मेरा नंबर नहीं है। बाकी अगर हमसे व्यक्तिगत घृणा है तो उस घृणा को अभी स्वीकार करते हैं, आपके लिए हम घृणा का भाव नहीं रखते हैं, आपका हम भला ही चाहते हैं। और जो लोगों को देख पा रहे हैं सोशल मीडिया में, उनका तो एक एक गो मने मुर्गी चेंगना काटता है तो उन लोग घर चल जाते हैं यार, इतना उन लोग से हम प्रेम करते हैं। और पता नहीं उन लोग के हृदय में मेरे लिए कितना बीस भरा है। खैर, फिर यही कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट टुसु पर्व का जो कार्यक्रम है वो बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के माध्यम से हो रहा है, और हम भी अपना पेज में 17 बार डाले हैं, हम अपना छोटा सा वीडियो बना के भी डाले हैं, रूट चार्ट भी हम अपना खुद पेज में लिख दिए हैं यार। तो कौन क्या लिखा नहीं लिखा हमको फोन कर सकते थे आप, हम खुद अपना पेज में आके लोग बोल देते हैं कि ये रूट चार्ट नहीं है हमारा, तो हमको बोल सकते थे बिना जाने सोचने। अरे हम लोग भी लिखने जानते हैं यार, हम भी एक छात्र हैं, हमको भी लिखना अच्छा आता है, लेकिन आज तक कभी किसी को लिखने नहीं गए। अच्छा बात है, आपकी लिखने को सलाम करते हैं। और ऐसे भी एक साल के आंदोलन में सबसे ज्यादा नफरत हमको अपना ही लोग से मिला है, उन लोग को यह तकलीफ लगा कि हम उनसे दूर निकल गए। कहाँ दूर निकल गए यार, उसी मिट्टी में रहते हैं, उसी मिट्टी में खाते हैं, उसी मिट्टी में खेलते हैं। ना हम नहीं डरेंगे विराट बाबू, हम कहे डरेंगे, हमारा तो सिद्धांत रहेगा, डरते तो आंदोलन यहां तक नहीं आता, ना साल भर टिकता, धनबाद बोकारो से के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाता। बिल्कुल, जो आंदोलनकारी थे उनसे जाकर पूछ लीजिए, धनबाद बोकारो के बाहर वो आंदोलन को लेने जाना चाहते थे, आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित भी हुआ था, कार्यक्रम सभा कैंसिल हुआ था, ये तो अपना जिद के कारण आज स्टेट तक लेकर आए हैं। हमको डर नहीं, लेकिन बस यही दुर्भाग्य लगता है कि जिनके पास मेरा टेलीफोन नंबर है एक बार जांच तो कर सकते थे, जब हम अपना आईडी में हम खुद पोस्ट कर देते हैं, हम खुद अपना अगर कोई ऐसा कुछ किया तो हम खुद अपना फोटो में काली पूत के पोस्ट कर देते हैं भाई कि ये हमारा ये रूट चार्ट नहीं है। हमको हम तो ऑनलाइन हम देखे भी नहीं थे, ये हमको फोन किया मनीष दा, फोन किया मनीष बलियापुर के हैं, मुकुंदा के मनीष दा फोन किए, आपका रार करम दा फोन किए कि दादा ऐसा सा बात है। हम बोले यार हमको कुछ जानकारी भी नहीं है, आप धनबाद में क्या, और हम क्या जानेंगे, हम कोल्हान में आज लगभग 18 तारीख की रात से हैं, उसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए रहे यार। बाकी ठीक है, स्पष्ट कहना चाहेंगे ये कार्यक्रम बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का है, उनका रूट चार्ट है सरायडला से बेकार बंद होते हुए आपका फिर सराय माने रणधीर वर्मा चौक आना, तो हम भी अपना आईडी से शेयर किए हैं, हम भी अपना आईडी से शेयर किए हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन बात है, सबको ये चाहिए कि स्वागत है, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, हम ही साला बचपन में पढ़ा, लोगों को सिखाते थे हमको आई टेंशन, बस यही समस्या लगा कि उन वे लोग जो है वो मैंने छोटा सा कार्यक्रम उनके घर होता था हम पहुंच जाते थे, आज वो लोग मैंने इस तरह का भाव रखते हैं अपने मन में अपने। चलिए कोई बात नहीं, जोहार। स्पष्ट कहना चाहेंगे जो बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का बैनर है, कार्यक्रम भी उसी के हवन पर है, रूट चार्ट भी उन्हीं का जो कमेटी का है उसी दिशा निर्देश पर चलिए। और बाकी अगर हमारे नाम से कोई अफवाह हो रहा है तो सावधान रहिएगा, हम अभी फिलहाल बाकी आप किसी को जाने से कहीं आने से नहीं रोक सकते हैं, हो सके कोई अगर तोपचांची से आएगा तो जाहिर सी बात हो तोपचांची होते हुए जाएगा, राजगंज होते हुए जाएगा, उड़ के थोड़ी सराय डाला जाएगा, तो हो सके उसका क्या इंटेंशन नहीं है एक बार उससे भी आप बात कर लेते कौन क्या है। कोई यदि